नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। और आज का ये वीडियो है राशि चक्र की 12वीं राशि जल तत्व की राशि मीन राशि के लिए नवंबर 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 12 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मीन है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है, वो जन्म के सूर्य भी आपके मीन राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मीन राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश। ऑल डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह की ट्रांजिट से। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से नौवें स्थान के अंदर है 4 नवंबर 2019 तक, जो कि आपके लिए मध्यम फलदायी है। गुरु का भाग्य स्थान में चलना थोड़ा सा भाग्योदय में रुकावट करने वाला आपको महसूस होगा, जो अभी गुरु चल रहा है वृश्चिक राशि के अंदर। तो ये गुरु आपके थोड़े से रुकावट करने वाले हैं भाग्योदय के अंदर। और गुरु 4 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। तो गुरु का 10वें स्थान के अंदर चलना आपके लिए बहुत शुभ होगा। गुरु आपकी करियर में एक नए प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे, कुछ नया स्टार्टअप होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, क्योंकि जो प्रथम नक्षत्र मूला है, ये मूला नक्षत्र का जो प्रथम नक्षत्र चलेगा दो महीना चलेगा, तो ये आपके लिए बिजनेस में करियर में कुछ नई शुभ शुरुआत करने वाले होंगे। और मीन राशि में भी खास करके जो कोई भी जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए तो ये गुरु का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा। गुरु बदलने के बाद 4 नवंबर से आपके धन स्थान के अंदर दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आपके बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर और साथ साथ आपके फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट कब होता है? जब आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आता है तभी आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। तो फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यदि आप अपना कुछ मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और ये गुरु आपके शत्रु विजय योग करने वाले बनेंगे, जिसके कारण आपको हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मामा या मौसी की ओर से आपको लाभ मिल सकता है। तो गुरु का जो बदलने वाला ट्रांजिट है ये आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं इस भाव के थोड़ा सो डिस्टर्ब कर देते हैं, गुरु इसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। चौथे 10वें स्थान के अंदर गुरु चलेंगे तो 10वें स्थान के ऊपर करियर के अंदर आपके थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर रहेगा, फिर भी जो गुरु है एक नई इनिंग शुरू करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। और गुरु की ये अपनी राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, तो डेफिनेटली आपके कुछ काम में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक तुला राशि में होंगे, यानी कि आपकी राशि से 8वें स्थान के अंदर होंगे। 8वें स्थान यानी कि मृत्यु स्थान है, खाड़ा का स्थान है, यहाँ पर कोई भी उग्र ग्रह शुभ फल नहीं दे सकते हैं। तो सूर्य का जो यहाँ पर भ्रमण है यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे और रिलेशनशिप में खास करके आपको अपने इन लॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। 8वें स्थान में सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। और 16 नवंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर तो आपके थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवाने वाले होंगे रिगार्डिंग फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के बारे में। तो 16 नवंबर के बाद भाग्य उदय तो होगा, लेकिन उसमें क्या केयर करना है आपको? उसमें आपको केयर करना है रिलेशनशिप में अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ, क्योंकि जब सूर्य चलेंगे भाग्य स्थान में तो
तो पराक्रम स्थान में सूर्य की सीधी दृष्टि होगी, तो जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा अपने ब्रदर्स सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ 16 नवंबर 2019 के बाद। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे मंगल ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो मंगल ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से आपके सप्तम स्थान के अंदर है। 10 नवंबर 2019 तक मंगल जो सप्तम स्थान में चलने वाले हैं, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मंगल का जो सप्तम स्थान में चलना शुभ नहीं माना जाएगा। एक तो ये जो चलेंगे कन्या राशि में, ये बुध की राशि है, बुध की राशि मंगल को एब्सोल्युटली सूट नहीं होती है। और जो चलेंगे सप्तम स्थान यानी कि दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर, तो ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। मंगल की जो दृष्टि है वो बहुत वो भी अशुभ मानी जाती है। कोई भी उग्र ग्रह की दृष्टि जो होती है वो शुभ फल देने वाली नहीं होती है। तो मंगल जब चलेंगे सप्तम स्थान के अंदर तो दृष्टि करेंगे आपके कर्म क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर। दसवें स्थान में दृष्टि करने वाले मंगल बिजनेस में करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। 10 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके चलेंगे अष्टम स्थान के अंदर, तो यहाँ पर चलेंगे सूर्य के साथ चलेंगे। तो 16 नवंबर तक जो कॉम्बिनेशन होगा, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपके आठवें स्थान के अंदर सूर्य और मंगल का जो योग बनता है अंगारक योग बनता है, जिसके इफेक्ट के अंदर आपको खास करके रिलेशनशिप में वंस अगेन आपको बता दें कि यदि आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। मंगल 10 नवंबर के बाद राशि परिवर्तन करने के बाद आपके लाभ स्थान में दृष्टि करेंगे, जिसके कारण मित्रों से भी कम लाभ रहेगा, फाइनेंशियल मैटर में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। और मंगल आपके पराक्रम स्थान में भी दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा साहस में भी रुकावट देखने को मिलेगा और ब्रदर्स सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ भी रिलेशन में तनाव आ सकता है। तो मंगल की जो ये दृष्टि होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है। 10 नवंबर के बाद आपको वाणी में संयम रखना होगा, वो भी खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आठवें स्थान के जो मंगल होते हैं ये खास करके फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जिसका भी जन्म कुंडली में मंगल आठवें स्थान के अंदर हो उनको भी खास करके हमारी ओर से सलाह है कि वाणी में संयम बरतें, खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा आपके मैरिज लाइफ में आपके फैमिली में ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मंगल के अलावा बात करेंगे बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो 23 अक्टूबर से लेकर वृश्चिक राशि के अंदर है और भाग्य स्थान में चलने वाले बुध आपको मध्यम फलदायी है। मध्यम फलदायी क्यों है? क्योंकि आप ये जो मंगल की राशि है, मंगल और बुध परम शत्रु हैं, जिसके कारण ये राशि भी बुध को सूट नहीं होती है। और बुध राशि परिवर्तन करके 7 नवंबर को चलेंगे तुला राशि में, तो राशि से आठवें स्थान में चलने वाले बुध भी आपके लिए शुभ नहीं होंगे, क्योंकि ये खाड़ा का स्थान है। अष्टम स्थान के अंदर बुध का फल कदापि शुभ नहीं होगा, बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए 7 नवंबर 2019 के बाद। बुध के बाद बात करेंगे लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट क्या कहता है आपके लिए? शुक्र भाग्य स्थान के अंदर चल रहा है, वृश्चिक राशि में चल रहा है, जो कि आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। और शुक्र का यहाँ पर ट्रांजिट है वो 21 नवंबर 2019 तक है। और शुक्र भी दसवें स्थान के अंदर चलेंगे 21 नवंबर से धनु राशि के अंदर, तो यहाँ पर भी शुक्र का फल शुभ होगा। जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, यानी कि होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड हैं, इनको भी बिजनेस के अंदर तेजी देखी जाएगी और कार्य क्षेत्र में आपके इम्प्रूवमेंट करने वाले बनेंगे। ये ट्रांजिट शुक्र की आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाली है। राशि चक्र की 12वीं राशि का मीन राशि का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बात करेंगे अभी दंड नायक ग्रह शनि महाराज की ट्रांजिट के बारे में। तो शनि महाराज आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो कि लाभ स्थान के मालिक और 12वें स्थान के मालिक होकर आपके 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा? शनि लाभ स्थान के मालिक होकर तो शुभ फल देंगे, लेकिन 12वें स्थान के मालिक होकर जो आपके
इसके अंदर है, दसवें स्थान के अंदर, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस एवं करियर के बारे में। तो आपका सेविंग कम होगा, नेगेटिव इफेक्ट इस प्रकार होगी सेविंग, अब काम जो है वो आपका स्लो चलेगा, काम चलेगा जरूर लेकिन स्लो चलेगा। बारहवें स्थान में दृष्टि होने के कारण सेविंग आपका कम होगा, खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको राहु चौथे स्थान के अंदर चल रहे हैं जो आपको घर का रहने का प्लेस चेंज करवा सकते हैं, या तो जॉब चेंज हो सकता है, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो सकती है। और शनि महाराज की जो दसवीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान के अंदर है, जो दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली है। जब तक मंगल आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है, तो मंगल और शनि का दोनों का जो ट्रांजिट है एक दूसरे के ऊपर अंगारक क्यों करते हैं, तो रिलेशनशिप में खास करके आपको अपने पार्टनर के साथ और अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ के साथ, और जॉब करने वाले जातकों को अपर लेवल के साथ, और जो कोई भी जातक उसके साथ साथ आपको दसवें स्थान में आपके फादर भी देखे जाते हैं, तो फादर के साथ भी आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा केयर करना होगा। तो इस जगह पे आपको केयर करना होगा रिलेशनशिप में, और पार्टनरशिप में भी केयर करना होगा, दाम्पत्य जीवन में भी केयर करना होगा। मंगल शनि एक दूसरे के ऊपर अंगारक क्यों करते हैं, जो शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आपको डेट टेक केयर करना होगा 5, 6 और 7 नवंबर में, जिसमें चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ के चंद्र जो हैं वो राशि से बारहवें स्थान के चंद्र बनते हैं, बारहवें चंद्र आपको शुभ फल देने वाले नहीं होंगे, और इसमें आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 15, 16 और 17, जिसमें चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में, यहाँ पर चलेंगे राहु के साथ चलेंगे, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। माता के साथ, पिता के साथ, जॉब करने वाले जातकों को अपर लेवल के साथ, सभी जगह पे आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 23, 24 और 25, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तो तुला के जो चंद्र है वो भी राशि से बारहवें स्थान के चंद्र बनते हैं, तुला के चंद्र राशि से आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं, आठवें चंद्र में भी आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्रेडिक्शन मीन राशि के लिए नवंबर 2019 का। यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र है मीन राशि वाले, तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। अब जहाँ भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी बहुत शुभकामना है। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले।